हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आयकर विभाग बार बार लोगों को बोल रहा है कि आप अपना पैन कार्ड को आप अपने आधार कार्ड से लिंक कराइए। इसका जो लास्ट डेट दिया गया था 31 मार्च था, लेकिन अभी क्या हुआ है कि 30 जून तक इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब 30 जून तक आप अपना पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों जरूरी है, अगर आप लिंक कर लेते हैं तो क्या होगा, अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा, और इसको कैसे लिंक करना है, इसका पूरा डिटेल मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बस आप वीडियो के इन तक बिना स्किप किए देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बात आती है पैन कार्ड की। तो पैन होता क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ये 10 डिजिट का नंबर होता है, जिसमें कुछ अल्फाबेट का भी नंबर रहता है और कुछ आपको डिजिट भी आपको इसमें दिख जाएंगे। अब इसका जो यूज होता है, काफ़ी जगह आपको पता होगा कि पैन कार्ड का यूज अभी कहाँ कहाँ नहीं होता है, हर जगह यूज होता है आपका, चाहे आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हो, या फिर कोई बड़ा ट्रांजेक्शन करना हो, या फिर कहीं आप इन्वेस्ट करते हो, कहीं पैसे का लेन देन करते हो, आपको इनकम टैक्स जमा करना हो, ITR फाइल करना हो, चाहे कहीं पर आपका KYC का जरूरत पड़ता हो, इसमें काफ़ी जगह आपको पैन कार्ड का यूज होता है। अब दोस्तों, आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो लिंक नहीं करेंगे तो जो जो मैंने आपको फैसिलिटी अभी बताया, उन सारे फैसिलिटी का यूज आप नहीं कर पाएंगे। और अगर आप लिंक कर लेते हैं तो इन सारे फैसिलिटी और भी पैन से रिलेटेड बहुत सारे फैसिलिटी होते हैं, उन सारे फैसिलिटी का आप यूज़ कर पाएंगे, अगर आप 30 जून के पहले तक अगर आप लिंक कर लेते हैं तो। और जिनका 2017 के बाद का जिनका भी पैन कार्ड बना है, उनको मैंडेटरी हो गया कि उनको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना है। अब दोस्तों, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लिंक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, जैसे जिनका एज 80 से ऊपर हो गया है, या फिर जो इंडिया के नहीं हैं, बाहर के हैं लेकिन उनका पैन कार्ड बना हुआ है, वो अगर लिंक नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लिंक करने के लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है incometax.gov.in। इस वेबसाइट का जो सबसे फर्स्ट वाला लिंक है, उस लिंक को यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे अपने वेबसाइट को डेस्कटॉप साइट में आपको कर लेना है। कर लेने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे क्विक लिंक में आपको ढेर सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे लिंक आधार का यहाँ पे ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। उससे पहले अगर आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि आपका आधार और आपका पैन लिंक है या नहीं है, तो यहाँ लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपका पैन कार्ड जो है आधार से लिंक है या नहीं है। आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है। पैन नंबर आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार नंबर और पैन नंबर मैंने यहाँ पे दोनों डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ दिख जाएगा, योर पैन नंबर इतना इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। अगर ये आपका लिखता है तो मतलब आपका लिंक है, अगर यहाँ पे लिखता है नोट लिंक योर आधार, तो यहाँ पे आपको लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए आपको यहाँ से फिर से आपको बैक हो जाना है, यहाँ से एक बार और बैक होना है। बैक होने के बाद यहाँ पे लिंक आधार का यहाँ पे जो सेक्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे ऊपर में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिख जाएगा पढ़ने के लिए, आप यहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर आधार नंबर सेम वैसे ही डालना है, उसके बाद वैलिडेट करना है। वैलिडेट करने के बाद इसमें आपको जो आपका पैन कार्ड होगा, आपका आधार कार्ड से यहाँ से लिंक हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बैंक से रिलेटेड, आधार से रिलेटेड, UPI से रिलेटेड आपको इसमें अपडेट मैं देते रहता हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।